अस्सलाम वालेकुम। विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर हैलोजेंस, व्हाई आर दे प्लेस्ड इन 7-8 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मेंबर्स एंड देयर कलर्स। सवाल कह रहा है कि हैलोजेंस क्या हैं, उनको 7-8 ग्रुप में क्यों रखा गया है, जो 7-8 ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यानी वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, और वो कौन से कलर के होते हैं। सो हैलोजेंस बेसिकली ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। हैलोजन वर्ड जो है वो निकला है हैलो विच मीन सॉल्ट और जीन जिसका मतलब है प्रोड्यूसिंग, यानी ये जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से इनका नाम हैलोजेंस रखा गया है। अब उनको ग्रुप 7 में इसलिए रखा गया है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो भी हैलोजेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब ये 7A ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब इनके स्टेट्स, फ्लोरीन गैस फॉर्म में पाया जाता है और इसका कलर पेल येलो होता है। क्लोरीन भी गैस फॉर्म में पाया जाता है और ये येलोइश ग्रीन कलर में पाया जाता है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये रेडिश ब्राउन कलर में पाया जाता है। आयोडीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये शाइनी ब्लैक यानी ब्लैक कलर में पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हैलोजेंस, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन डेली लाइफ। हैलोजेंस हमें कौन कौन सी जगहों से मिलता है, कहाँ से हमें मिलता है हैलोजेंस, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल किस तरीके से होता है। हैलोजेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो ये नेचुरली जो है मैटल्स के साथ रिएक्ट करके उसके कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। फ्लोरीन बेसिकली मिनरल्स में पाया जाता है यानी ज़मीन के अंदर पाया जाता है। क्लोरीन के जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली बीन्स में और हमें नमक के तौर पे जो हम खा रहे होते हैं उसके फॉर्म में मिल रहा होता है। ब्रोमीन जो है वो सोडियम और पोटेशियम से रिएक्ट करके हमें समुद्री पानी में मिल रहा होता है। आयोडीन जो है वो हमें सी वीड्स यानी एक प्लांट का नाम है उसके अंदर मिलता है हमें सबसे ज़्यादा। और एस्टेटीन जो है वो नेचुरली होता ही नहीं, उसको आर्टिफिशियली जो है लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। ब्रोमीन के यूजेस देखते हैं। ब्रोमीन जो है फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। डाइज कलर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स यानी जो कीड़े मकोड़े तंग करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स उसमें इस्तेमाल होता है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्यूमिगेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होते हैं उसको तैयार करने में इस्तेमाल होता है। आयोडीन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स में थायरोइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से गोइटर जो है वो बीमारी नहीं होती। इसके अलावा जो है ये जो ज़ख़म होते हैं उस पर ज़ख़म बंद करने के लिए या उसको साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्लोरीन जो है रॉकेट्स के प्रोपल्शन यानी कि उसके ऊपर जाने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और काफ़ी सारे फ्लोरोकार्बन्स जो हैं इसमें तैयार होते हैं, और वायर की कवरिंग्स इंसुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को साफ करने में यानी इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे प्लास्टिक लाइक विनाइल क्लोराइड बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ इज क्लोरीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर क्लोरीन को किस तरीके से इस्तेमाल तैयार किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर क्लोरीन को 3 अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। एक होता है जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीस ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस तैयार होता है। इसके अलावा जब हम लोग मैग्नीस ऑक्साइड की मौजूदगी में सोडियम क्लोराइड यानी नमक के अंदर जो है नमक के ऊपर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें क्लोरीन गैस मिल रहा होता है। और थर्ड तरीका ये होता है जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके ऊपर वो छिड़कते हैं या पोर करते हैं और फिर हीट करते हैं तो उसमें भी हमें क्लोरीन गैस मिल रहा होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लोरीन गैस लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग नेल्सन सेल। होता यह है कि नेल्सन सेल के अंदर ब्राइन रखा जाता है। ब्राइन इज बेसिकली एक्वस एनएसीएल यानी पानी के अंदर जब आप एनएसीएल को डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन को केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ब्राइन कहते हैं। फिर ब्राइन तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास थ्रू करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास थ्रू करते हैं तो हम लोगों को एनोड के अंदर यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंदर हमें क्लोरीन गैस जमा होता हुआ नजर आता है, और इसी तरीके से कैथोड के अंदर हमें सोडियम मेटल जो है वो जमा होता हुआ नज़र आता है। तो इस सिंपल प्रोसेस के थ्रू हम लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कमर्शियली क्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव इट्स व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद, इनके जो है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस बताना। जब SN क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड बनता है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन रिएक्ट करता है तो HCl एसिड और सल्फर हमें अलग मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है क्लोरीन तो COCl2 मिलता है। फॉस्फोरस के साथ जब करता है तो PCl3 मिलता है। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl3 मिलता है। और अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड मिलते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट इज डिस्कस द यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आंगा इस्तेमाल होता है सबसे पहले जैसे बताया गया विनाइल क्लोराइड यानी कि डिफरेंट प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर या पेस्टिसाइड्स के लिए क्लोरोकार्बन्स और DDT के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव इज गिव द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉमन सॉल्ट, यानी कि किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तैयार किया जाता है जब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है। तो होता ये नमक को हम लोग एक राउंड फ्लास्क के अंदर रखते हैं और फिर उसके ऊपर से हम लोग थिसल फनल के थ्रू जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर डालते रहते हैं। तो जब हीट करते हैं तो उसके ऐसे रिएक्शन जो होता है तो हमारे पास ग्लास जार के अंदर हमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो गैसियस फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को नमक से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको जो है गैस फॉर्म में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड नजर आएगा। नेक्स्ट सवाल है हाइड्रोजन क्लोराइड को डायरेक्टली किस तरह तैयार किया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के कम्बिनेशन से। तो यानी जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर क्या जाता है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को डायरेक्टली जो है रिएक्ट करवाया जाता है और उससे हम लोगों को 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल रहा होता है। नेक्स्ट यू हैव इज जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन नीचे दिए गए केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ तैयार होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें NaCl यानी कॉमन सॉल्ट मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो अगेन हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीड नाइट्रेट के साथ करता है तो हमें PbCl2 एंड निट्रिक एसिड मिलता है। मैग्नीस ऑक्साइड के साथ करता है तो MnCl2 वाटर एंड क्लोरीन। पोटेशियम मैग्नेट के साथ करता है तो वी गेट पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीस क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन। Next we have is what is bleaching powder, how is it manufactured commercially by Heजन क्लेवर प्रोसेस, gives the use of bleaching powder। Bleaching powder क्या है, हेजन क्लेवर प्रोसेस से किस तरीके से तैयार किया जाता है एंड ब्लीचिंग पाउडर हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली होता है क्या है, कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है वो क्लोरीन और एक्सोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको मिक्स जो करवाते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। अब हेजन क्लेवर प्रोसेस में होता यह है कि एक आयरन सिलेंडर लिया जाता है, उसके अंदर क्लोरीन गैस को एक तरीके से डालते हैं और नीचे हम लोग डाल देते हैं चूना, स्लेक्लाइम। स्लेक्लाइम के नीचे आयरन सिलेंडर के अंदर स्लेक्लाइम पड़ा हुआ होता है और क्लोरीन गैस हम लोग उसमें पास थ्रू करते हैं तो उससे क्या होता है फिर एक रिएक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब क्योंकि हम लोग क्लोरीन गैस उसमें पास थ्रू करते हैं इसलिए अक्सर आपको ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की स्मेल आती है। रिएक्शन क्या है कि हम लोग स्लेक्लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। अब ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर को साफ करने के लिए, क्लोरीन गैस तैयार करने के लिए, हाइपोक्लोरस एसिड तैयार करने के लिए, वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ताकि वो छोटा ना हो जाए एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर जब रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ तो फिर क्या बनता है। जब ब्लीचिंग पाउडर थोड़े से पानी से रिएक्ट करता है तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NCl2। जब बहुत सारे पानी से रिएक्ट करता है तो डिकम्पोज होकर CaCl2 एंड CaOCl2 तैयार करता है। अमोनियम से जब रिएक्ट करता है तो वी गेट CaCl2 N2 एंड H2O। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वी गेट CaCl2 क्लोरीन एंड वाटर। Last we have is describe silver nitrate test for the presence of chlorine on a salt of chloride, give the reaction। कि जब क्लोरीन को सिल्वर नाइट्रेट से पास किया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, नोट कीजिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये डिफरेंट आयन फॉर्म, कभी ब्रोमीन के तौर पर आता है, कभी आयोडीन के फॉर्म में आता है, कभी क्लोरीन के फॉर्म में आता है, लेकिन ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं। सो सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली होता क्या है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयंस, इनको डिटेक्ट करने के लिए कि ये मौजूद हैं या नहीं, वी डू अ सिंपल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। सिल्वर क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इन तीनों के नीचे होता है तो इसीलिए ये आसानी से डिस्प्लेस कर लेते हैं, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस करके ये सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं। तो इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, यानी कि हैलोजेंस या हैलाइड्स की मौजूदगी को चेक करना एक्सपेरिमेंटली, इसको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। तो इस बार में सवाल में कहा गया है कि क्लोरीन का हमें देखना है कि क्लोरीन मौजूद है या नहीं, तो उसके साथ रिएक्शन जो हमें मिलेगा वो होगा कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे तो वी गेट सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl। जो सोडियम नाइट्रेट होगा वो वाइट पाउडर के तौर पर हमें नजर आएगा, यानी वाइट प्रेसिपिटेट PPT के फॉर्म में नजर आएगा और ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा।